बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ वन विभाग का, जिन्होंने हमारी स्कूल और स्पेशली चौरे सर और डोंगरे सर का, कि उन्होंने हमारे सरोजनी पब्लिक स्कूल को अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, एनवायरनमेंट डे के प्रोजेक्ट के लिए हमारे स्कूल को चुना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैसेज है, इनके द्वारा हम लोगों के बच्चों को सीखने मिलता है कि किस तरह से ये जो पेड़ है, ये पौधे हैं, ये हमारे जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, हमारे धरती को बचा सकते हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार वन विभाग का धन्यवाद करती हूँ, चौरे सर और मिस्टर डोंगरे का, कि इन्होंने यहाँ पर आकर हमारे स्कूल में वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा। थैंक यू सो मच। जो वन कर्मचारी और अधिकारी आज उपस्थित है और सभी स्टूडेंटगण, तो वृक्षारोपण के बारे में, पर्यावरण के बारे में अधिक मेरे ख्याल से आप लोगों को बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल में और कॉलेजेस में पर्यावरण के बारे में तो पढ़ाया ही जाता है। लेकिन ये सब जो बातें हैं, तो ये बातें अपन खाली किताबों में नहीं रहनी चाहिए, तो इसको कार्यान्वित करना ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण ये जो विषय है, ये बहुत बड़ा व्यापक विषय है। तो इसमें जब तक के जन सहभाग नहीं मिलेगा, तब तक के पर्यावरण का जो ध्येय है, उसको जो बैलेंस करना है, तो वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसीलिए जन सहभाग की बहुत इसमें आवश्यकता है। और इसलिए शासन की तरफ से हम लोग जगह जगह पे जाके, जैसे स्कूलों में, कॉलेजेस में और रास्ते के किनारे वगैरह, हम लोग ये ऐसा कार्यक्रम लेके इसको वृक्षारोपण का हम लोग कार्यक्रम करते हैं, ताकि लोगों में जागरूकता फैले, सजगता आए और लोगों का इसमें सहभाग मिले। पर्यावरण ये जो मतलब जो सब्जेक्ट है, तो इसमें जैसा सजीव घटक और निर्जीव घटक, ये दोनों घटक इसमें आते हैं। एक घटक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अगर उसमें कोई भी एक घटक अगर इम्बैलेंस अगर होता है, तो दूसरे घटक एलिमेंट्स के ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। तो जैसा इसमें पेड़ पौधों का बहुत ही अनन्य साधारण ऐसा महत्व है, उसमें पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए पेड़ पौधे बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, तो उसके बाद में जैसा ग्लोबल वार्मिंग का सब्जेक्ट है, और भी जैसा मतलब वन्य प्राणी के लिए पेड़ पौधे, जैसा चिड़िया पक्षी, ये उनका घर है जो पेड़ पौधे जो है। तो इसमें पेड़ पौधों का जो भी सजीव घटक का जो पार्ट है, तो उसमें इनकी एक अहम भूमिका है। इसलिए पेड़ पौधे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, यही एकमात्र एक उपाय हमारे पास एक विकल्प है पर्यावरण को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए। अगर पृथ्वी को बचाएंगे, तो उसमें आदमी बचेगा, क्योंकि इंसान भी इस सृष्टि का, ये पर्यावरण का एक घटक है। अगर पृथ्वी रहेगी तो आदमी रहेगा। इसीलिए सबसे हम लोग मतलब ये आह्वान है कि पर्यावरण को बचाने के लिए सबका साथ मिले और सबका सहकार्य।